जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अक्कल नहीं उसको भाई जो चीज लेने के लिए मैं मार्केट में जा रहा हूँ वही चीज तो मेरे अपने घर में पड़ी हुई है, मुझे अपने घर से लेनी चाहिए। मेरे पिताजी के पास हर चीज है तो मैं अपने पापा के पास जाऊं ना, लेकिन वो सोचता है कि पिताजी ना वो मुझे नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इच्छाएं नाजायज हो जाती है। सपोज ऐसे कोई बच्चा सिगरेट पीने की इच्छा करता है, उसको पता है पापा नहीं देंगे, फिर वो क्या करेगा, चोरी करेगा और मार्केट से खरीदेगा। तो अगर आपकी इच्छाएं ऑफिशियल है तो भगवान तो वैसे ही पूरी करने वाला है, आपके भाग्य का देगा। लेकिन काम है स्तर हृतक ज्ञाना, जिसकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी गई है, बस चाहिए मेरे लिए सही है गलत है, मेरे भाग्य में लिखा है नहीं लिखा, मुझे पिताजी नहीं दे रहे मुझे तो बाहर से जाके लेना है, तो कैसे भी भीख मांग कर भी लेने के लिए तैयार। तो भगवान कहते हैं वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान ने एक वैदिक रीति बनाई है, देवी देवताओं को कुछ न कुछ भगवान ने वो शक्ति दी है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है, किसी को धन का डिपार्टमेंट है, किसी को ज्ञान का है, किसी को कौन सा है, किसी को वर्षा का है, मैं उनके प्रति उनको श्रद्धा देता हूँ, ठीक है, तो पक्का पक्का उस पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा के साथ उसकी भक्ति करो। जब उसको लगेगा ठीक है देवी देवताओं की पूजा करेगा उसको मिल रहा है, मिल भी जाएगा, और उसको लगेगा मिल भी गया तो भी तो मुझे आनंद नहीं आया, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि वस्तुओं से आनंद आएगा, लेकिन वो वस्तुएं वो लग्जरियस जो चाहता था वो देवी देवताओं ने दे दिया, फिर भी आनंद नहीं आया, मरने के बाद स्वर्ग में गया वहां भी आनंद नहीं आया, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम, तो कई जन्म ऐसे बिता देगा। फिर उसे रियलाइज होगा नहीं बाबा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं आना, उसे पता चल जाएगा देवताओं के लोक में जाएंगे, अगर देवताओं की पूजा करेंगे फिर संसार में आना पड़ेगा, मत भक्ता यांति माम अपि, मेरी पूजा करके मेरे धाम में जाएंगे, फिर उसको अक्कल आएगी।